हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजन, आपका रूप और धैर्य अद्भुत है, आपका साहस अनोखा और कांति निराली है। आप में एक महान राजा के सभी लक्षण विद्यमान हैं। केवल मन की वृत्ति बदलने से ही आप वह स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहां देवता आपकी पूजा करें। याद रखिए, धर्म विरुद्ध कार्य से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होगा। पाप स्वयं ही अपने कर्ता को जड़ मूल से नाश कर देता है। अतः आप जैसे बुद्धिमान को दूसरे की स्त्री को घर में कैद रखने जैसा निंदित कार्य शोभा नहीं देता। यही एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बस बहुत हो चुकी है नरगल बातें। अपनी मृतात्मा को पानी देने वाले की चिंता करो, हमारे लिए तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गांधर, किन्नर, नाग, असुर, यहां तक कि कोई भी योनि का प्राणी हमें नहीं मार सकता। उस वरदान में नर और वानर से आपको निर्भय नहीं किया गया था। भगवान श्री राम इस समय नर रूप में है और सुग्रीव वानर है। राजन, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूं, श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन है जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन ही रहता है। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी ये गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए।